लोग देख रहे थे कुछ बेसिक ये फूड ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे थे, यूनिट 5th। तो जो ऑप्टिमाइजेशन था उसमें बेसिक चीजें हम पढ़ रहे थे, बेसिक ब्लॉक्स और फ्लो ग्राफ। तो क्या होता है बेसिक ब्लॉक्स और क्या होता है आपका फ्लो ग्राफ, उसको मैं बता रहा था। तो बेसिक ब्लॉक क्या होता है, कैसे किसी भी कोड को हम जो है बेसिक ब्लॉक में कैसे पार्टीशन करते हैं, उसके लिए ये सारी एल्गोरिथम आपको, ये एल्गोरिथम आपको बताया था मैंने। तीन स्टेप हैं कि किसी भी जो भी कोड होता है उसका पहला स्टेटमेंट हमेशा लीडर होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, एनी स्टेटमेंट दैट इज टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज लीडर। मतलब कंडीशनल या अनकंडीशनल गो टू हो तो उसका टारगेट जो होता है वो भी क्या होता है, लीडर होता है। थर्ड क्या कर रहा है, एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज अ गो टू और कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट इज लीडर। यहाँ ये तीन बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई कि कोई भी कोड लिखिए उसका पहला स्टेटमेंट क्या होगा, लीडर होगा। जैसे ये आपका लिखा गया क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर इनटू थ्री एड्रेस कोड एंड आइडेंटिफाई द बेसिक ब्लॉक। सो दिस इज योर कोड और इसका हमने थ्री एड्रेस कोड ये लिखा, कैसे लिखा है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में बताया था कि ये हो गया इसका थ्री एड्रेस। अब इसमें पहला क्या कर रहा था, फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीडर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, फर्स्ट ये आपका लीडर हो गया जिसको मैंने एलो से कर दिया। दूसरा क्या कह रहा है कि एनी स्टेटमेंट दैट इज टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज लीडर। तो आप देखिए किस स्टेटमेंट में गो टू है और वो गो टू का जो टारगेट होगा वो भी आपका लीडर होगा। तो देखिए गो टू सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे गो टू थ्री, ये गो टू कहाँ जा रहा है, टारगेट ऑफ गो टू मतलब थ्री, थ्री कहाँ जा रहा है, दिस T1 इज इक्वल टू 4 इनटू आई। तो थ्री ए स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीडर हो जाएगा, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज अ गो टू और कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट इज लीडर। मतलब इस गो टू के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो भी क्या होगा, लीडर होगा। बट इस गो टू के आगे तो कुछ भी स्टेटमेंट है ही नहीं, 11th स्टेप के बाद कुछ है नहीं। अगर 12th स्टेटमेंट होता, 12वां इसके आगे, तो वो आपका लीडर होता। तो यहाँ पे कितने लीडर हो गए, एक हो गए ये और एक हो गए ये, तो दो लीडर हो गए। तो कितने बेसिक ब्लॉक्स हो गए, दो। कैसे बेसिक ब्लॉक, अगर इसको हम अलग अलग बेसिक ब्लॉक्स में अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बनाते हैं बेसिक ब्लॉक, फर्स्ट फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, और फिर सेकंड में आपका, सेकंड ब्लॉक में ये यहां से यहां तक का हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर हटा दो, दिक्कत नहीं, इसके आगे मैं भी समझाता हूं। चलिए ये जो, हेलो हेलो हेलो, यस सर, कोई बोलते रहो यार, पता नहीं चलता कौन क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो लीडर हो गए, जितने लीडर होंगे उतने बेसिक ब्लॉक्स बनेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका, ये एक लीडर है और एक लीडर है, कैसे लीडर बना वो मैंने बताया। तो फर्स्ट ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट एक ब्लॉक में करेंगे और फिर नेक्स्ट लीडर मिला ये, इसको एक अलग स्टेटमेंट में करेंगे।
सपोज इसके आगे कोई और लीडर मिलता तो वहां से फिर वो तीसरा ब्लॉक होता। तो आप देखो ये तो थ्री एड्रेस कोड था, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले इस ब्लॉक नंबर को सपोज आपने नाम दे दिया B1 और इसको मान लो सपोज आपने नाम दे दिया B2, इस ब्लॉक को B1 दे दिया, इस ब्लॉक को B2 दे दिया। तो इसके बाद क्या हो रहा है आपका, देखिए कैसे ये हो गए आपके बेसिक ब्लॉक। देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया गया है बेसिक ब्लॉक, तो बेसिक ब्लॉक तो आपके आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन इसी के साथ साथ मैं फ्लो ग्राफ भी बता देता हूं। इसका फ्लो ग्राफ कैसे, कुछ नहीं बस सिंपल, इसका फ्लो जो होगा ब्लॉक B1 से B2 के लिए जाएंगे, ठीक है, और फिर ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, गो टू थ्री तब हो रहा था जब थ्री एड्रेस कोड लिख रहे थे। बट यहां पे आप देखिए गो टू थ्री का मतलब क्या हो गया, हम इस पे जाते थे T1 = 4 × i, बोलिए, तो वहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा था स्टेप 1 2 3 4, तो 3 के फॉर्म में हो गया, यहाँ ब्लॉक के फॉर्म में, तो गो टू थ्री का मतलब फिर इसी ब्लॉक में स्टार्टिंग में फिर T1 = 4 × i करेंगे, तो गो टू यहाँ पे क्या हो जाएगा B2, अगर यह ट्रू होता है तो, अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, ये फिर सेम कोड फिर से एग्जीक्यूट होता है। यहां से दो कंडीशन निकलेगी, बोलिए तो दो कंडीशन क्या निकलेगी, एक तो निकलेगी अगर ट्रू है तो, कैसे होगा, ये कैसे आएगा भाई, सेल्फ लूप नहीं आ रहा इस पे, हाँ ये क्या हो रहा है, चलो ये जैसे भी होगा ड्रा होगा ऐसे, पता नहीं कैसे होगा, ड्रॉ नहीं हो रहा ठीक से। चलो देखो अगर ये ट्रू होता है, हेलो, तो हेलो हेलो, लाइन ड्रॉ करना था सर, हाँ हाँ कर दिया, चलिए अगर यहाँ पे देखिए B2 मैंने किया था, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, ये गो टू B1, तो ये अगर यहाँ पे ट्रू होता है, यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो, ये फॉल्स के लिए है, ये ट्रू के लिए है, देखो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे ट्रू के लिए क्या हो गया, ये कंडीशन इस पे फिर जाएगी, और फॉल्स होगा तो फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप पे चला जाएगा, स्टॉप का मतलब क्या हो गया आपका, दिस ये हो गया स्टॉप, ये समझ में आया कैसे क्या किया गया। अभी इसको और भी एग्जांपल मैं कराऊंगा, बहुत सारे एक और एग्जांपल कराऊंगा बाद में कराऊंगा, जब पूरा कोड ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा लूंगा तब, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें बतानी है। तो इस वजह अगर ट्रू हुआ तो ये कंडीशन हुई, और अगर फॉल्स हुआ तो ये स्टॉप पे आएंगे, ट्रू होगा तो एक ये फिर से ये ब्लॉक ऑफ कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जैसे देखिए हम यहाँ पे देखिए बता रखते हैं, यहाँ पे आपका ये देखिए ये आपका ये देखिए ये था B1 और ये कर दिए थे B2 ब्लॉक,
अगर ट्रू होता है तो देखिए ये फिर से एग्जीक्यूट होता है गो टू बी टू, और फॉल्स होता है तो स्टॉप। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, बताइए बताइए भाई। आया सर। चलिए ठीक है, तो हेलो। हाँ हेलो, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए जरा। नेक्स्ट आपका है कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को देखते हैं, बेसिकली वही आपको देखना है। फॉल्स के लिए और वो ट्रू के लिए था। चलिए नेक्स्ट आपका है कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कोड ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन इज योर फंक्शन प्रिजर्विंग कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और सेकंड वन इज लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, क्या होती हैं चीजें मैं एग्जांपल की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नंबर वन आपका है फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन, इसमें सेकंड क्या है आपका लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप ऑप्टिमाइजेशन ठीक है, फंक्शन प्रिजर्विंग में क्या है, इसमें भी चार टेक्निक होती हैं। फंक्शन प्रिजर्विंग में आपका कॉमन सब एक्सप्रेशन, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। सेकंड होता है आपका डेड कोड एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन। थर्ड कॉपी प्रोपगेशन, कॉपी प्रोपगेशन। नेक्स्ट होता है कॉन्स्टेंट फोल्डिंग। क्या होता है इसको मैं अभी बहुत बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा अभी सब आप लोगों को। ये हो गए फंक्शन प्रिजर्विंग में आपके। हेलो, फंक्शन प्रिजर्विंग में ये चार टेक्निक। और फिर लूप ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो गया, लूप ऑप्टिमाइजेशन में हो गया आपका कोड मोशन, जिसको हम कोड इनवेरिएंट भी बोलते हैं। लूप अनरोलिंग भी एक है टेक्निक, बहुत जगहों पे दिया है बहुत जगहों पे नहीं दिया है, इसको भी पढ़ लेंगे लूप अनरोलिंग। फिर आपका है स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है। ये आपके बेसिकली जो कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दो, एक होता है फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है लूप ऑप्टिमाइजेशन। फंक्शन प्रिजर्विंग
अच्छा पहले तो इसके पहले दो चीजें और जान लें, ये जो ऑप्टिमाइजेशन होता है बेसिकली दो तरीके से होता है, या तो लोकल होता है, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, या फिर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, या तो लोकल ऑप्टिमाइजेशन या तो ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है लोकल ऑप्टिमाइजेशन और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, इसको अच्छे से तभी समझा सकेंगे हम जब ये सारी टेक्निक को समझाने के बाद हम एक एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझा देंगे। लोकल वैसे फाइनली आप समझ लीजिए ओवरऑल कि क्या होता है लोकल ऑप्ट। जैसे हम कभी भी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो किसी भी कोड का हम पहले फ्लो ग्राफ बना लेते हैं, फ्लो ग्राफ मतलब बेसिक ब्लॉक्स में ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद उसका फ्लो ग्राफ बना के हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अगर इंडिविजुअल ब्लॉक में सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करें, मान लो सपोज कोई प्रोग्राम का हम फ्लो ग्राफ बना लेते हैं, उसमें चार बेसिक ब्लॉक बन रहे हैं और हर बेसिक ब्लॉक का इंडिविजुअली अगर हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उसमें कोड का, तो वो हो जाता है लोकल ऑप्टिमाइजेशन। और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि अगर हम पूरे सपोज चार बेसिक ब्लॉक हैं, चारों बेसिक ब्लॉक को कंसीडर करते हुए ऑप्टिमाइजेशन करें एक ही साथ, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, वो आगे आपको बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, होल्डिंग है यार ये, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं लूप ऑप्टिमाइजेशन को पहले देखते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। क्लियर है, कोई बोल नहीं रहा, सब बस। चलिए तो हम पहले देखते हैं कोड मोशन में क्या होता है। हम एग्जांपल की हेल्प से समझाएंगे। अच्छा, फंक्शन प्रिजर्विंग में क्या होता है, फंक्शन प्रिजर्विंग कोई नाम बताए, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, एक बात मैंने बताया था कि कभी भी हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो जो क्राइटेरिया हमने बताई थी उसमें ये चीज होता है कि बिफोर ऑप्टिमाइजेशन और आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन दोनों कोड क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, चीजें सारी प्रिजर्व रहनी चाहिए, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, कोड मोशन में क्या होता है बेसिकली, सपोज आपको कोई एग्जांपल की हेल्प से मैं सीधे बताता हूँ, सपोज कोई आपको i इज इक्वल टू जीरो while i इज लेस देन 5000, x is equal to in bracket sin a into sin b bracket closed divided by i, okay, and then i is equal to i plus 1, ठीक है। ठीक, ये देखिए ये आपका कोड मोशन में क्या होता है बेसिकली, इस बातों को मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट एग्जांपल की हेल्प से तो चीजें ज्यादा समझ। क्या है कोड मोशन, सपोज ये कोई आपका कोड दिया गया है i इज इक्वल टू जीरो व्हाइल i इज लेस देन 5000 और x इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी
होल ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाई आई है ये, मतलब और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस वन. जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये लूप चलेगा, तब तक एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी. तो कैलकुलेट होगी तो हर बार क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी हर बार कैलकुलेट होगा. जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार साइन ए कैलकुलेट होगा, साइन बी कैलकुलेट होगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर डिवाइडेड बाई आई होगा जो भी आई की वैल्यू होगी. तो कोड मोशन में यहां पे क्या करते हैं बेसिकली, देखिए i इज इक्वल टू जीरो को एज इट इज कर दो, और एक अलग से वेरिएबल ले लो t इज इक्वल टू साइन a इंटू साइन b, ठीक है. और फिर while लूप लगा लो, while x इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय i, फिर i इज इक्वल टू i प्लस वन, फिर ब्रैकेट क्लोज. क्या हो रहा है बताइए. देखिए ये जो ये आपका जो दिया गया है ये सॉल्यूशन है, ये आपका क्वेश्चन है. इसमें क्या हो रहा था कि जितनी बार ये लूप जितनी बार चल रहा था उतनी बार ये x की वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी और फिर i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो रही. तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो रही थी तो साइन a और साइन b भी बार बार कैलकुलेट होके मल्टीप्लाई हो रहा था, जबकि हर बार जितनी बार ये लूप चल रहा है ये जो ऊपर वाली जो ये वैल्यू है साइन ए इंटू साइन बी की वो फिक्स, वो नहीं चेंज होनी है. लूप कितनी बार भी चले लूप पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लूप में जो है हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ये है साइन ए इंटू साइन बी, इसमें आई का कहीं नहीं कोई रोल नहीं है. तो आई कितनी बार भी चले इसकी वैल्यू हर बार हर लूप में फिक्स ही रहेगी. आई की कुछ भी वैल्यू हो ये न्यूमरेटर की वैल्यू फिक्स ही रहेगी. चेंज क्या होनी है, ये आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी, उसके हिसाब से फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. बट अननेसेसरी हर बार क्या हो रहा है कि साइन ए और साइन बी कैलकुलेट होकर दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर बार लूप में. इसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से वेरिएबल लिया और उसमें साइन ए इंटू साइन बी को यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्टोर करा दिया. तो इनिशियली यहाँ पे देखिए छूट गया है व्हाइल आई लेस देन 5000. कोई बोलता भी नहीं है कि सर आपने गलत लिखा है, तब बस ऑन करके ऑनलाइन आके अपना चले जाते हो क्या. हेलो सर, बोलने वाले थे आप, सब गायब हो जाते हैं. तो क्या हो रहा है, तो ये वैल्यू जब हमेशा फिक्स है तो हमने क्या किया, इसको इनिशियली ही स्टार्टिंग में इसको क्या कर लिया, हमने साइन ए और साइन बी को कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके एक अलग वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया, और फिर लूप चलाया और साइन ए इंटू साइन बी की जगह जिस वेरिएबल में वो स्टोर कराया टी डिवाइडेड बाय आई कर दिया और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर दिया. इससे क्या हुआ, साइन ए और साइन बी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट होके यहाँ टी में साइन हो गई और हमेशा टी से ही यहाँ टी डिवाइडेड बाई आई करके हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट. यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हुआ, टाइम कम लगेगा जरूर से, क्योंकि ये बार बार ना कैलकुलेट होके, मतलब सपोज ये आई की वैल्यू 0 to 5000 है, ये लूप 5000 5000 बार चलेगा, तो साइन ए इंटू साइन बी की यहाँ पे अगर देखते तो वैल्यू कैलकुलेट होती 5000 बार और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार कैलकुलेट होके उसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स स्टोर हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू लूप बार बार चेंज होगा आई की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी. तो इसको बोलते हैं हम, इस टाइप का जब चीज होता है, इस टाइप की जब प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं कोड मोशन. ठीक है, आई बात समझ में. अर्पित जी ये ले लीजिए 67 है, आप अटेंडेंस में शॉर्ट ले लीजिए 67. ठीक है, चलिए
ये हो गया आपका कोड मोशन। सेकंड देखते हैं लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग में क्या होता है बेसिकली, सपोज एग्जांपल कैसे समझेंगे ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सपोज आपका कोई लूप है वाई, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, of I is equal to 0, is equal to 0, I plus plus, इसमें हम क्या करते हैं, सपोज ये लूप अनरोलिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि जो सपोज यहाँ पे लूप है वाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, सपोज आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ये लूप कितनी बार चलेगा आप बताइए, कोई तो बोलो भाई। 10 times। तो ये लूप जब आपका चलेगा 10 बार चलेगा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 0 to 10 चलेगी, ठीक है। तो इसी को टेस्ट केसेस को कम करने के लिए हम लूप अनरोलिंग का कंसेप्ट आता है, इसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है कम हो जाते हैं। कैसे बताता हूं मैं, ऐसे ही रहेंगे व्हाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 ही रहेगा, और x i is equal to 0, फिर i plus plus, फिर आप क्या कर लो सेम कोड को दो बार, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये आपका ये आपका हो गया। आई एम शुड जॉय ऐशप बाबू शुटाडी। कौन है भाई ये, चलिए ये देखते हैं हम लूप एंड रोलिंग में क्या होता है। यहाँ पे जैसे एक लूप है वाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, मींस क्या, ये लूप 10 टाइम चलेगा, 10 बार ये इसका एग्जीक्यूशन होगा, ये बॉडी ऑफ लूप ये है, 10 बार इसका एग्जीक्यूशन होगा, हर बार एक एक इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस। तो लूप अनरोलिंग में क्या करते हैं बेसिकली, हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मतलब जितनी बार चल रहा उससे कुछ कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, आप देखिए एक्स आई इज इक्वल टू 0, हम एक ही बार आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 है, तो एक ही बार के एग्जीक्यूशन में 2 बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके 10 बार लूप चल रहे थे, और यहाँ पे देखिए एक्स आई इज इक्वल टू 0 आई प्लस प्लस, फिर एक्स आई इज इक्वल टू 0 आई प्लस, जो चीजें अलग अलग हो रही थी एक बार में, 2 बार में जो चीजें यहाँ पे हो रही थी वो यहाँ पे एक ही बार। तो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, लूप आपका सिर्फ और सिर्फ 5 times चले, ठीक है। कितनी बार चलेगा, 5 cases कम हो जाएंगे। तो इस तरह की कंसेप्ट को बोला जाता है लूप अनरोलिंग, ठीक है। दोनों बातें समझ में आई, अभी मैं छोटे छोटे कंसेप्ट को पहले समझा रहा हूँ छोटे छोटे एग्जांपल से, फिर मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लूंगा जिसमें बेसिक ब्लॉक्स बनाऊंगा,
फ्लो ग्राफ बनाऊंगा, फिर उसमें फ्लो ग्राफ बनाने के बाद सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक साथ लगाऊंगा, लोकल ग्लोबल सब कुछ। कुछ इसमें से टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो लोकल ऑप्टिमाइजेशन करती, कुछ ऐसी भी टेक्निक है जो ग्लोबल भी करती, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे अभी जब सब कुछ हो जाएगा तब, वो मे बी परसों हुआ डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि अभी कल। चलिए थर्ड इसमें क्या था, देखिए थर्ड इसमें क्या था, थर्ड इसमें क्या था, कोई बताओ। कोड मोशन हो गया, कोड लूप अनरोलिंग हो गया, स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन, हाँ जी, स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन में क्या होता है बेसिकली, सपोज एग्जाम्पल बताते हैं, सपोज कोई स्टेटमेंट दिया है x इज इक्वल टू 4 इंटू y, सपोज कोई कोड दिया है x इज इक्वल टू 4 इंटू y, तो यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ को कैसे रिड्यूस करेंगे। स्ट्रेंथ रिडक्शन का मतलब एक तरह से समझिए कि इसकी कॉस्ट भी एक तरह से कम करने की बात हो गई, ठीक है। जैसे इसको कर देंगे स्ट्रेंथ रिडक्शन करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4 इंटू आई, आई को क्या कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसको स्ट्रेंथ रिडक्शन में हम ऐसे करेंगे आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस। अब एक बात बताइए, क्या दोनों बातें सेम है कि नहीं, यहाँ 4 इंटू आई हो रहा है, यहाँ आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, 4 टाइम्स इसको एड कर रहे हैं। तो जो एडिशन की स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, उसकी कॉस्ट भी कम होती है इन कंपैरिजन टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह के कंसेप्ट को कहते हैं हम स्ट्रेंथ रिडक्शन, ठीक है। ये सारी बातें हम एक एग्जांपल लेंगे अभी, अच्छा क्वेश्चन बाद में जब सारी हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को डिस्कस कर लेंगे, देन एक क्वेश्चन लेंगे और पूरी की पूरी ऑप्टिमाइजेशन को उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। वो काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा जिसमें सारी ऑलमोस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक उसमें कवर होंगे। ये तो मैं अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह के कंसेप्ट को बोलते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन। तो आप देखिए, ये आपके थे फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन आपके हो गए कोड मोशन, लूप अनरोलिंग, स्ट्रेंथ रिडक्शन। अब इसके बाद क्या है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, डेड कोड एलिमिनेशन, कॉपी प्रोपगेशन एंड कॉन्स्टेंट फोल्डिंग, ठीक है। तो कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन को तो हम थोड़ा सा बताएंगे, बाकी इसको अलग से हम इसको देखेंगे, क्योंकि कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके लिए हम डैग का कंसेप्ट आता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक का। तो वो हम एक अलग आपका टॉपिक ही दिया हुआ है, तो उसको हम अलग से देखेंगे ही, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। डेड कोड एलिमिनेशन भी इजी है, कॉपी प्रोपगेशन है, कॉन्स्टेंट फोल्डिंग है, ये सब इजी है, इसको वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है।